और इस बीच केजरीवाल ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव होंगे। अब से थोड़ी देर पहले राजेंद्र कुमार ने केजरीवाल से मुलाकात की है। राजेंद्र कुमार पहले ऊर्जा सचिव हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में डीआरसी ने कीमत घटाने का फैसला किया था, लेकिन वो आदेश कभी लागू नहीं हो सका। इस बीच दिल्ली के मुख्य सचिव डीएस अपोलिया भी केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता रीमा पराशर हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से जुड़ गई हैं। रीमा, सबसे पहले आपसे अब जानना चाहेंगे कि नई टीम बननी शुरू हो गई है, इसमें कई नाम भी सामने आ रहे हैं। राजेंद्र कुमार सरीखे जो नाम है, कहीं ना कहीं ये नाम सामने आने से ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों को खास करके चुन चुन के अपने कैबिनेट में रखना चाहते हैं जो वाकई अब जब कार्यकाल में वो अपने रहे भी होंगे तो उन्होंने सुधार के कुछ कार्य किए होंगे, प्रपोजल्स रखे होंगे और उनको नहीं लाया गया या लागू नहीं किया गया। देखिए श्वेता, बिल्कुल इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती है वो कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो वो तो है ही, मंत्री कौन कौन बने ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जिसे लेकर लगता है कि अरविंद केजरीवाल खासी मशक्कत कर रहे हैं वो है कि अधिकारियों की टीम कैसी होगी, क्योंकि ज्यादातर काम अगर अरविंद केजरीवाल सुधार को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं या जो उन्होंने वादे किए हैं वो सब सिस्टम को बदलने वाले वादे हैं, उन सबको अमली जामा तभी पहनाया जा सकता है जबकि अधिकारियों की एक अच्छी खासी टीम उनके साथ हो। और यही वजह है कि आज सुबह से जो बैठकें चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर पर वो लगातार उन अधिकारियों से मुलाकात करने की है जिन पर अरविंद की निगाह है कि उन्हें वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहला नाम राजेंद्र कुमार का सामने आया जिनके साथ लगभग एक घंटे से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बैठक चल रही है। और उसके अलावा अब से कुछ ही देर पहले मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली में वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो लगातार इस वक्त जो चुन चुनकर मुलाकात की जा रही है वो अधिकारियों से की जा रही है। और जहां तक मंत्रियों को शामिल करने की बात है तो इसके बाद जब ये अधिकारियों की बातचीत हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल की टीम तैयार हो जाएगी उसके बाद इस बात पर माथापच्ची होगी कि आखिर कौन कौन से मंत्री इस कैबिनेट में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रीमा आपका तमाम जानकारी के लिए।